ओके स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। टूल मटेरियल्स की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो एक एक करके हम इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़रूरत होता है, क्या आवश्यकता है इस तरीके टूल्स की में। तो सबसे पहले जो और सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, वो होनी चाहिए हार्ट हार्डनेस। हार्ट हार्डनेस से जो यहाँ पे अभिप्राय है कि अत्यधिक उच्च तापमानों पर टूल द्वारा अपनी कठोरता बरकरार रखना या बरकरार रखने की योग्यता ही हार्ट हार्डनेस कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कटिंग की जाती है तो प्राइमरी शियर जोन और सेकेंडरी शियर जोन में लगातार घर्षण फ्रिक्शन की वजह से तापमान बहुत बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने का एक कारण और वह है कि अत्यधिक स्पीड पर कटिंग करना, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन डिमांड को बरकरार रख सकें। तापमान बढ़ने से ही वहाँ पे जो टूल की हार्डनेस है वो कम होने लगती है और हमें उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो मेंटेन करने के लिए आपको, अगर आपको टूल की हार्ड हार्डनेस अच्छी नहीं है तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगी और फिर टूल अपनी कठोरता खो देगा। इस गुण के कारण हाई स्पीड में और उच्च तापमान पर भी टूल का जो मटेरियल है वो अपनी कठोरता को बरकरार रखता है। वर्कपीस मटेरियल की तुलना में यह कठोरता अधिक बनी रहनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप उच्च तापमान पर टूल मटेरियल्स में कटिंग कैपेबिलिटी बनी रहती है। यानी अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग कैपेबिलिटी बनी रहेगी। टूल पदार्थों की तप्त कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें क्रोमियम, टंगस्टन, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम आदि मिलाकर कठोर कार्बाइड बनाए जाते हैं। वियर रेजिस्टेंस, मशीनिंग प्रोसेस के दौरान टूल वर्कपीस की अपघर्षण क्रिया से प्रभावित होता है। यदि टूल की प्रतिरोधकता पर्याप्त ना हो तो कर्तन कोरों के असफल होने की संभावना बनी रहती है, जिससे वर्कपीस पर निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है। काटे जाने वाले पदार्थ के सापेक्ष टूल की वेल्डिंग तथा विकृति उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे अधिक घर्षण या वियर ना हो। वियर रेजिस्टेंस से तात्पर्य टूल मटेरियल में अधिक वियर को वहन करने की क्षमता से है, तथा औजार व वर्कपीस के मध्य में रासायनिक आकर्षण में कमी से घर्षण प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। अगर इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ना चाहें, इट इज द एबिलिटी टू रजिस्ट वियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। टूल इज अफेक्टेड बाई एब्रेसिव एक्शन ऑफ वर्कपीस। इफ द वर्क विद द वियर रेजिस्टेंस ऑफ द टूल इज नॉट इनफ, देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ द फेल्योर ऑफ कटिंग एजेस, विच मे रिजल्ट इन पुअर फिनिश ऑफ द वर्क। तो अगर हमारा टूल जो है पर्याप्त वियर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो जो सरफेस फिनिश प्राप्त होने वाली है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं प्राप्त होगी, उसमें थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है टफनेस। टफनेस का मतलब होता है आघात तथा कंपनों को सहने की क्षमता। शॉक एंड वाइब्रेशंस को के साथ विथस्टैंड करने की क्षमता, क्योंकि जो टेंशन में जो हाई हार्डनेस वाले टूल जो है ब्रिटल टूल कमजोर पड़ जाते हैं, तथा यह टूल जो है हार्डनेस को सीमित करता है। इंग्लिश में अगर कहें तो कि टफनेस इज द एबिलिटी टू बियर शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन कनेक्शन विद द इंटरप्टेड कट्स। जो बार बार कट्स लगाए जा रहे हैं उसमें ये बहुत जरूरी है कि आपका टफनेस ठीक ठाक हो। अगला है लो फ्रिक्शन। लो फ्रिक्शन कटिंग टूल की क्रिया में स्पीड तथा फीड ऑपरेटिंग रेंज में चिप तथा टूल के संपर्क सतहों पर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट्स
कम होना चाहिए, जिससे कि टूल वियर कम हो तथा अच्छी सरफेस फिनिश भी प्राप्त हो सके। ठीक है, टूल मटेरियल हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें फ्रिक्शन, जो प्राइमरी शियर जोन सेकेंडरी शियर जोन बन रहे हैं उसमें फ्रिक्शन कम से कम रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब उसमें टूल वियर कम हो और जो सरफेस फिनिश अच्छी प्राप्त हो सको। ये तब ही हो सकता है जब उसमें फ्रिक्शनल कोफिशिएंट यानी घर्षण गुणांक जो है टूल का वो कम हो। इंग्लिश में अगर समझें, इन ऑर्डर टू हैव लो टूल वियर एंड बेटर सरफेस फिनिश, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल शुड बी एज लो एज पॉसिबल इन द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ स्पीड एंड फीट। यानी जो टूल का ऑपरेटिंग रेंज है स्पीड और फीट का, उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होना चाहिए। अगला है लो कॉस्ट। किसी भी नए पदार्थ को प्रयोग करने तथा उसे एक उन्नत टूल बनाने के कारण जो टूलिंग कॉस्ट में वृद्धि हो होती है, ओवरहेड कॉस्ट पड़ता है, श्रम लेबर कॉस्ट में कमी आएगी, टूल लाइफ में वृद्धि होने से बचत होना कम होना चाहिए, अर्थात टूल को अत्यधिक महंगा नहीं होना चाहिए। यानी जो उसको बनाने में तैयार करने में जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसका टूल का उपयोग और उसको उसका परचेज उसका कॉमर्शियल यूज आसान हो सके। द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ न्यू मटेरियल एंड इट्स फैब्रिकेशन इन टू एन इम्प्रूव टूल मस्ट नॉट बी मोर देन ऑफसेट बाई सेविंग इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज प्रोडक्शन डिक्रीज कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इंक्रीज टूल लाइफ एटसेट्रा। इसके अतिरिक्त यांत्रिक और थर्मल रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर पर गुणों को बरकरार रखने की क्षमता, रीग्राइंडिंग आदि भी वांछित गुण हैं। तो ये तो हमारे टूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने समझा देखा।